दिल्ली में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला हुआ है। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई इलाकों में कुछ देर के लिए मूसलाधार बारिश हुई। चार तस्वीरों में आपको हम झमाझम बारिश के सबूत दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा और नई दिल्ली के अकबर रोड, विजय चौक और अशोका रोड में भी कई मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे इसी तरह से रुक रुक कर झमाझम बारिश होती रहेगी, यानी कि दिल्ली NCR के लोगों के लिए सुखद खबर है, अच्छी खबर है। आज सुबह से ही बारिश यहाँ पर हो रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि NCR में नोएडा वगैरह जो एरिया है वहाँ पर इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई है जितनी कि दिल्ली में आप देख पा रहे हैं कितनी तेज़ बारिश हुई है, लेकिन उसके बावजूद मौसम जो है वो सुहावना हो गया है और बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे मौसम कुल मिलाकर इसी तरह का रहने वाला है, यानी कि रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। तो गर्मी और उमस से दिल्ली वालों को राहत जरूर मिल गई है इस बारिश की वजह से। हालांकि बारिश होने से वीक डेज में खास करके लोगों को परेशानी आती है, जो स्कूल कॉलेजेस जाने वाले लोग हैं या फिर ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको दिक्कतें होती हैं, लेकिन जिस तरह से दिल्ली NCR के इलाके में जिस तरह से गर्मी ने सितम ढाया हुआ है, उमस अभी तक यहाँ पर बरकरार है, ऐसे में ये बारिश राहत लेकर आई है उनके लिए। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कड़कड़डूमा, अकबर रोड, विजय चौक, देख सकते हैं अशोका रोड किस तरह से बारिश हो रही है। नई दिल्ली के अशोका रोड पर झमाझम बारिश हुई, जायजा लिया संवाददाता प्रमिला दीक्षित ने। बोल मेरी दिल्ली कितना पानी, देखने में तस्वीर किसी तालाब की सी है लेकिन ये तालाब नहीं, दरअसल सेंट्रल दिल्ली यानी लुटियंस दिल्ली का इलाका है। गोल डाकखाने के पास इस वक्त हम खड़े हैं और ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर सेंट्रल दिल्ली का ये हाल है तो बाकी दिल्ली किस हालत में होगी। जून जुलाई दिल्ली ने बहुत इंतज़ार किया लेकिन बारिश शायद वो कसर अब पूरी कर रही है और दिल्ली की सुबह होती है रिमझिम फुहारों के साथ और देर रात होते होते आपके आंगन में फिर बारिश की बूंदें बरसने लगती हैं। इससे एक जो फ़ायदा हुआ है कि मौसम कुछ अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है, तापमान में कमी नज़र आई है, लेकिन ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि लुटियंस दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली जहां मंत्री रहते हैं, जहां पर सरकारी अफसर रहते हैं, अगर उसका ये हाल है कि वहां ऐसे पानी भर जाता है तो बाकी दिल्ली का क्या होगा, समझा जा सकता है। दिल्ली के तमाम इलाकों से हमें इस वक्त ट्रैफिक जाम की खबरें मिल रही हैं क्योंकि सुबह होते ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और उस बारिश की वजह से दफ्तरों के लिए निकले लोग उनको देर हो गई और इसके साथ ही दिल्ली में तमाम जगह जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ मुश्किल है। यहाँ पर भी इस वक्त हमें गाड़ियों की लंबी कतारें नज़र आ रही हैं और बाकी दिल्ली से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। मौसम विभाग आपको इस बात की और संभावना जता रहा है कि अगले एक दो दिन ऐसी बारिश हो सकती है, यानी वीकेंड पर आप छुट्टी मना सकते हैं लेकिन उससे पहले अभी आपको दफ्तर अगर आप जाएंगे कल तो एक दिक्कत ये हो सकती है कि बारिश के अभी और कयास संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम में कुछ बदलाव हुआ है, तापमान में कमी नज़र आई है, मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री तक आंका जा रहा है और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री, तो यानी एकमात्र राहत ये है। लेकिन अब जो दिक्कत है वो बारिश की वजह से ये है कि लुटियंस दिल्ली का ये हाल है तो बाकी दिल्ली की तस्वीर कैसी होगी। कैमरा पर्सन पिनाकी सेन के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक। और दिल्ली का विजय चौक भी आसमान से उतरती बूंदों से खूब सराबोर हुआ है, वहां का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता राम किंकर सिंह। जोरदार और झमाझम बारिश ने राजधानी की सड़कों को न केवल तरबतर कर दिया बल्कि जो लोग हैं उनमें भी काफी खुशी का माहौल झलका, क्योंकि जो लोग गर्मी से काफी तपे हुए थे उन्हें अब इस बारिश की फुहारों ने बहुत मजा दिया और लोग सड़कों पर निकल गए। और साथ ही साथ जो कई इलाके हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पर जाम की स्थिति भी बनी रही, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग का अनुमान है कि एक दिन और यानी कल तक इसी तरह की ज़ोरदार और झमाझम बारिश होगी, लेकिन शुक्रवार के बाद जो बारिश की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, कम बारिश होगी, यानी वीकेंड आमतौर पर सुहाना बना रहेगा अगर मौसम विभाग की माने तो, वीकेंड पर बारिश कम हो सकती है, लेकिन फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत ज़रूर मिली है। कैमरामैन विक्की के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, फिलहाल तो मौसम सुहाना है, अगले 24 घंटे भी बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि दिल्ली NCR के लोगों को ऐसी ही राहत और सुकून के पल मिलने वाले हैं। हाँ बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से जो है मानसून इस समय एक्टिव है दिल्ली और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ जिस तरीके से मानसूनी हवाएं दिल्ली NCR के तमाम इलाकों को अपनी जद में हुए हैं, उससे मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे इसी तरीके से रुक रुक कर बारिश होती रहेगी और जो तापमान है वो 33 डिग्री 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास
रखे जो एक सामान्य तापमान से नीचे के तापमान है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों को काफी राहत रहेगी मौसम के अनुसार। बिल्कुल, लेकिन सितंबर का महीना आ गया है सिद्धार्थ, जानना चाहेंगे कब तक जूझना पड़ेगा दिल्ली वालों को इस उमस से, क्योंकि बारिश रुकते ही यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लोगों को परेशानी होती है वो है उमस से। हाँ बिल्कुल श्वेता, इस समय की अगर हम बात करें तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में उमस ज्यादा बनी हुई है, यानी नमी का लेवल 60% से ज्यादा है। इस वजह से जैसे ही बारिश रुकती है वैसे ही लोगों को उमस सामना करना पड़ता है। लेकिन सितंबर का महीना है और जैसे ही दूसरा पखवाड़ा शुरू होगा तापमान भी नीचे आ जाएंगे और मानसून भी वापसी शुरू करेगा अगले हफ्ते के अंदर। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि अभी की जो बारिश है ये मानसून की एक तरीके से अंतिम एक फेज चल रहा है, एक अंतिम तरीके से मानसून दिल्ली और आसपास के इलाकों को भिगो रहा है और मानसून जल्द ही वापसी की शुरुआत करेगा। जी बिल्कुल, तो जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे सिद्धार्थ कि फिलहाल लोगों को अगले 24 घंटे तो दिल्ली एनसीआर वालों के लिए बहुत राहत की खबर है, इसी तरह से मौसम बना रहेगा। लेकिन धीरे धीरे आने वाले सप्ताह में तापमान भी घटेगा, मौसम भी बदलेगा, लेकिन फिलहाल उमस से राहत थोड़ी कम ही मिलती नजर आ रही है। तो फिलहाल आज और कल मजा ले सकते हैं इस मौसम का दिल्ली और एनसीआर के लोग। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार आज सुबह से रुक रुक कर दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है। दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हालांकि परेशानी ये भी हो जाती है कि जैसे ही थोड़ी देर लगातार दिल्ली में बारिश होती है जाम की समस्या सबसे ज्यादा हो जाती है और ऐसे में जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं सबसे ज्यादा मुसीबत उनकी आती है क्योंकि लंबा जाम लग जाता है सड़कों पर, पानी निकासी की जगह नहीं है यहाँ पर, पानी भर जाते हैं कई इलाकों में और ऐसे में लंबा जाम लगता है जिससे कि लोगों को खासी परेशानी सामने आती है। तो जो घर में लोग हैं बैठे हुए भले उनके लिए बहुत राहत की बात है, जो बाहर निकलते हैं लोग उनके लिए थोड़ी परेशानी ज़रूर हो जाती है अगर लगातार इसी तरह से बारिश होती रहती है तो। लेकिन फिलहाल मौसम बहुत खुशमिजाज है और बहुत ही अच्छा है और ऐसे में लोगों के लिए ज़रूर ये राहत की बात है। सिद्धार्थ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिद्धार्थ, लेकिन जानना चाहेंगे कि अचानक से ये जो मौसम में बदलाव आया है उसके पीछे मौसम विभाग वजह क्या बता रहा है? हमारा संपर्क सिद्धार्थ से नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल राहत की खबर यही है कि आज और कल यानी कि अगले 24 घंटे कुछ इसी तरह का मौसम दिल्ली और एनसीआर में रहने वाला है।